जी व्यूअर्स, अगर आप लोग जान छुड़ाना चाहते हैं महंगे महंगे जो है ना लोशनों से, खास तौर पे सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में लोशन की ज़रूरत तो हमें जो है ना पूरा साल ही पड़ती रहती है, तो इस्तेमाल कीजिए मेरा है ये बनाया हुआ जो है ना ज़बरदस्त सा जो है ना, आप लोग इसको सीरम कह लें, मॉइस्चराइज़र कह लें, लोशन कह लें, जो भी आप लोग इसको करना कहना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इसको इस्तेमाल करिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। तो इसका तरीका देखने के लिए वीडियो एंड तक देखिए और दुआओं में ज़रूर याद कीजिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज़ विद नाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खैरियत से रखे और खुश और खुर्रम रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना हैंड जो है ना मसाज और जो है ना क्रीम लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए नाज़रीन स्टार्ट करती हूँ मैं जी व्यूअर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने खाली बोल ले लेना और खाली बोल के अंदर ही मेरे पास जो है ना एलोवेरा जेल है, ठीक है, मेरे पास कंपनी का आएगा, किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेश में इसमें नहीं, इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि ये जो है ना फिर ख़राब हो जाएगा और ये हमने कई दिन तक जो है ना बना के रखना है, ठीक है। ये मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन, ये इसमें तकरीबन मेरे पास है ही तकरीबन 3 टेबल स्पून के, 3 से 3.5 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है, ठीक है। अब मैं सेकंड में इसमें मैं डालूंगी जो है ना ये इवियन के कैप्सूल लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों को जो है ना ये वाले सूट नहीं करते, कुछ लोगों का इससे रंग डल हो जाता है, ठीक है, कुछ लोगों की स्किन पर एलर्जी भी हो जाती है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो मैं इन कैप्सूलों को चेहरे पर नहीं लगाती, मैं हाथों पैरों पर तो लगा लेती हूँ लेकिन मेरे चेहरे पर ना ये सूट नहीं करते, मेरी बारीक बारीक सी जल भी उतरना शुरू हो जाती है और जो है ना मेरा रंग भी ख़राब करती है। तो अगर आप लोगों को भी ये सूट नहीं करते, आप लोग 200 mg के ले सकते हैं, 400 mg के ले सकते हैं। मैंने इसमें 600 mg के मैं 2 कैप्सूल डालूंगी क्योंकि मैं हाथों पैरों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें इसलिए जो है ना 2 कैप्सूल डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वाले कैप्सूल सूट नहीं करते हैं तो आप लोग ऐसे करें, कॉस्मेटिक्स की दुकान पर ना आप लोगों को ये वाले आराम से मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, 5 रुपये का एक या 2 आप लोगों को आराम से जो है ना ये मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी बॉटल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये इस तरह की बॉटल में होते हैं, ठीक है। कलर पर नहीं जाएंगे इसमें, लाइट पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, किसी भी कलर के आप लोगों को मिले तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े से महंगे वाले, ये तकरीबन 25 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है, ठीक है। और ये जो इवियन कैप्सूल का जो है ना पूरा पत्ता 80 रुपये का मिलता है, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 अदद डाले। तो आप लोगों के पास घर में जो भी अवेलेबल हो, ठीक है, आप लोग वो डाल सकते हैं, सही है व्यूअर्स। अब हम लोगों ने क्या करने हैं, इसमें ये दोनों कैप्सूल जो है ना मैंने डाल देने, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को सूट नहीं करते हैं इवियन कैप्सूल क्योंकि ये खाने के लिए होते हैं तो बास चेहरों पे सूट नहीं करते तो आप लोग मत डालिए, आप लोग किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना व्यूअर्स, मैं एक तरह का जो है ना मसाज सिरम आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ठीक है। अक्सर लोग परेशान होते हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, बाज़ लोगों के जो है ना हाथ पैर गर्मियों में भी पूरा गर्मी जो है ना ख़राब रहते हैं या झुरियाँ आ जाती हैंगी, रेंकल्स आ जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि मैं रात को खुद आजकल इसको मसाज करके सो रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें जो है ना डाल रही हूँ ग्लिसरीन, ठीक है। ये भी आप लोग आराम से कॉस्मेटिक्स की दुकान पे भी आप लोगों को मिल जाएगा और मेडिकल स्टोर्स पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने मेडिकल स्टोर से लिया है, जहाँ पर ऑयल वगैरह मिलते हैं वहाँ भी आप लोगों को आराम से इजीली आप लोगों को जो है ना मिल जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें डालूंगी जैतून का तेल, ठीक है। अगर आप लोगों के पास जैतून का तेल नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस या नारियल का तेल डालना है आप लोगों ने या जैतून का तेल डालना है, ठीक है। ये भी मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करके रख देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ और ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने, ये आप लोगों की ना एक क्रीम टाइप की बन जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों की लोशन टाइप का, आप लोग देख रहे, देखिए इस तरह से गाढ़ा हो गया, ठीक है। जबकि मेरे पास जो ये वाला एरोवेरा जेल जो था ये तकरीबन जो है ना वाटर वाला था, ठीक है, ये वाटर बेस पे था, क्रीम बेस पे नहीं था, ये जो मसाज बेस पे आता है उस पर नहीं था। लेकिन देखिए ये अच्छी तरीके से वो ग्लिसरीन डालने की वजह से और तेल डालने की वजह से और विटामिन ई के कैप्सूल डालने की वजह से आप लोग देख सकते हैं ये क्रीम बन गई। अब मैंने क्या करना है जी व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, मेरे पास जो है ना वो एलोवेरा जेल जिसमें से मैंने निकाला था तो मेरे पास यही कंटेनर खाली था, ठीक है। आप लोग किसी भी खाली बोतल में, जो भी आप लोगों के पास घर में खाली बोतल अवेलेबल है,
आप लोग इसमें इस तरह से डाल के इसको आप लोगों ने करना क्या है, फ्रिज में रखना है ठीक है, बाहर नहीं रखना है इसको आप लोगों ने। और ये तकरीबन एक महीना तक आप लोगों का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको बना के रख लेना है फ्रिज में, और जब भी आप लोग रात को सोए ठीक है, तो बिल्कुल ज़रा सा आप लोगों ने इस तरह से लेके और थोड़ा सा जो है ना अच्छे तरीके से अपने हाथों पे मसाज कर लेना है ठीक है, और सो जाना है आप लोगों ने अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, ये चेहरे पे नहीं लगाना है आप लोगों ने ठीक है। ये चेहरे के लिए नहीं बनाया है मैंने ठीक है, आप लोग सिर्फ हाथों पैरों के लिए मैंने बनाएगा। आप लोग इस तरीके से अपने हाथों का मसाज करके और सो जाइए ठीक है, और सुबह आप लोगों ने अपने हाथ वॉश करने हैं। चंद दिन के इस्तेमाल से आप लोग खुद ही फ़र्क देखेंगे कि आप लोगों के हाथों पे बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है व्यूअर्स। आजकल मैं ये डेली लगा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको जो है ना शेयर करूँ। लगाइएगा, और अगर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट आते हैं तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, दुआओं के साथ दोबारा हाजिर होंगी एक और अच्छी रेमेडी के साथ या एक और अच्छे प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।